रिश्तों की अहमियत। किसी बात पर पत्नी से चिक-चिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा सुकून से रहने नहीं देती। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो। गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठा एक बुजुर्ग थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक चिक, बाहर ना भटकूँ तो क्या करूँ, जिंदगी नरक बना कर रख दी है। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती, बड़खुदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए, जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाए नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त अलिसान, घर धन दौलत सब है पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कभी कहीं कभी कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी, सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आँखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी। चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था, डब डबाई आँखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे, जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो कुछ। यूँ दोनों ने आँखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांग कर हंस कर गुजार दे, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से जीना चाहिए और सर हर किसी को खुशी से रखना भी चाहिए, अपने परिवार को संभाल कर। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।